मैंने बताया था कि भारत की पुरानी भाषा पाली के अंदर शय षड्जम वाला और षटकोण वाला शय नहीं होता। इसके साथ ही पुरानी भाषा के अंदर ना त्रय होता है जिसको त्रि बोलते हैं, ना त्रय होता है, ना ज्ञानी वाला गय होता है, ना क्षेत्रफल वाला और क्षेत्रीय वाला क्षय होता है और ना ही श्री वाला क्षय होता है। इसके अलावा जो वैर में दो मात्रा लगती हैं और औरत में दो दो मात्राएं ऊपर लगती हैं वह भी नहीं होती। यानी कि ज्ञानी वाला गय और श्री वाला क्षय और क्षेत्रफल वाला क्षय और त्रय वाला तय नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय है वो क्षेत्र नहीं था, दरअसल वो खेतीय था। खित और खेतीय है तो सारे लोग खेतीय थे, बुद्ध भी खेतीय थे। और जो श्री है उसको श्री करके बोला जाता है, श्री को श्री करके बोला जाता है। और जो त्रिपिटक है उसको बाद में त्रिपिटक किया गया, त्रि लगाया गया। और जो यार है यार को ज्ञान कहा गया बाद में, यान मतलब रास्ता, जिसको आज के समय में हम ज्ञान बोलते हैं। ये पाली में अगर आप भाषा में देखेंगे तो ये चार शब्द नहीं है। धन्यवाद। मुसा वादा गुरु मन सिखा पदिंग स्मार।